जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमारे देश में जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य इसमें एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, खासकर ऐसे राज्य में जहां माल न्यूट्रिशन और अनीमिया एक ऐसी समस्या है जिससे ज़्यादातर बच्चे और साथ ही ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रसित हैं। ऐसे समाज में, ऐसे राज्य में बच्चों को पोषण से जुड़े जानकारी के बारे में अवगत करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनकी माताओं को सही न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे फिलहाल देश में इस वक्त 15 दिन की पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। हर साल ये फिलहाल ये 5वां पोषण पखवाड़ा है, जिस 20 मार्च से 3 अप्रैल तक इसे मनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत इस बार खासकर सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो मिलेट्स है, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाए। श्री अन्न का नाम दिया गया है मिलेट्स को इस बार। और खासकर आज हम कार्यक्रम पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी है जिसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड फिलहाल हमारे देश में, ताकि लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जा सके, इस बारे में भी चर्चा होगी। आज हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन किया है अकई मिंज ने, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं। उनके साथ ही हमारे साथ हैं डाइटिशियन मनीषा घाई और साथ में हैं डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन, जो कि आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आप तीनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पोषण पखवाड़ा की बात हो रही है तो अके जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। इस बार 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे की ध्यान दिया जा रहा है इस पखवाड़े के अंतर्गत। हम चाहेंगे कि आप इस बारे में दर्शकों को बताएं। ये जो पोषण पखवाड़ा है, विशेष करके जैसे कि बताया गया कि ये पूरी तरह से आधारित है कि हम अपने पूर्व के जो खाने की पद्धति थी, जो हम कहें अपनी देशज पद्धति थी, उसे फिर से वापस लाने की बात हो रही है। जब हम बातचीत करते हैं श्री अन्न की, या मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, या हम झारखंड के परिपेक्ष में कहें तो मड़ुआ है, कोदो है, सावा है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी श्री अन्न की गिनती में आती हैं, जिसे हमारे पुरखे खाते थे पर किसी कारणवश हम लोगों ने इसे छोड़ दिया है। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषणा की गई कि ये वर्ष जो होगा वो श्री अन्न का वर्ष होगा। और इसी को फोकस करते हुए पोषण पखवाड़े में ये ध्यान दिया जा रहा है कि 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो श्री अन्न है उसकी विशेषता और उसके साथ में अभी के हमारे जीवन की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम कैसे एक वेल बीइंग, मतलब बेहतर आरोग्य जीवन जी सकते हैं, उस पर बातचीत की गई है। दूसरा जो मुख्य बात है वो है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, मतलब जो हमारे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे से लेकर के 6 साल तक के बच्चे हैं, उन बच्चों के भोजन के प्लेट में, जैसे हम हर लोग बात करते हैं तिरंगा भोजन, चावल दाल और सब्जी, लेकिन उस प्लेट में ऐसा क्या हो, उस खाने की थाली में ऐसा क्या हो जिसमें कि ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, जैसे हमारे अपने गांव में उपजे हुए मड़ुआ है, बाजरा है, जौ है, गुंदली है, जिसको कोदो कहते हैं, सावा है, उसके कैसे भोजन बना करके बच्चों को परोसा जाए कि उनका जीवन पौष्टिकता से भरा हो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो इसके लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की बात की गई है। और तीसरी चीज जो मुख्य फोकस किया गया है कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो हर एक गांव में जहां पर 1000 की जनसंख्या है वहां पे एक आंगनबाड़ी है, तो एक आदर्श आंगनबाड़ी की बात कही गई है जहां पर की पोषण के साथ स्वास्थ्य की भी सुविधाएं मिले। मिलेट्स पे हम बात कर रहे हैं मनीषा जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बाजरे या फिर जितने भी मोटे अनाज है उसकी अहमियत आपसे ज्यादा हमें कोई समझा पाएगा, खासकर अगर हम झारखंड की पर्सपेक्टिव में बात करें। एक तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि सही वक्त से या फिर शुरू से ही मिलेट्स का कितना योगदान होता है हमारे स्वास्थ्य में, और झारखंड के पर्सपेक्टिव में क्या कुछ ऐसे अनाज है जो हमें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना ही चाहिए। देखिए, झारखंड में बहुत सारे अनाज मिलते हैं, जैसे कि मड़ुआ, कोदो, स्वाक इत्यादि, तो उनको ना बहुत तरीके से हम अपने भोजन में शुरू से ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ज्वार के आटे की रोटी,
रागी का, मड़ुआ का दलिया, मड़ुआ का आजकल तो लोग, आजकल के ज़माने में लोग मड़ुआ का मोमोज़ वगैरह भी बना के खाने लगे हैं। तो बहुत तरीके से उसको शामिल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सेरेलेक की जगह में मड़ुआ का, मड़ुआ क्या हल लपसी काइंड ऑफ बना के दिया जा सकता है। और जो गर्भवती माताएं हैं उनको कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मड़ुआ बहुत अपने आप में परिपूर्ण है। तो मड़ुआ डिफरेंट तरीके से, जैसे मड़ुआ का डोसा हो गया, मड़ुआ का चीला हो गया, मड़ुआ का दलिया हो गया, इस रूप से भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड, डिफरेंट तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं। डॉक्टर वेंकटेश, यहाँ पे अभी जैसे खासकर हमने कोरोना के बाद से लोगों को देखा है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोटे अनाज को क्या अहमियत दी गई है, उसका क्या रोल है? आचार्य चरक जी ने कहा है कि जो अनाज है, जो पथ्य है, जो भोजन है, वही हमारे लिए औषधि है। तो और मॉडर्न साइंस भी अब कहता है डाइट इज मेडिसिन। तो जो हमारा मोटा अनाज, मिलेट्स की जो चर्चा हो रही है, तो उस पर मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मोटे अनाज जो हैं हमारे हाथ में चिपकते नहीं हैं, और काफ़ी उसमें फाइबर होते हैं, पोषक तत्व तो होते हैं, कैल्शियम, विटामिन B12, B3, तो जो भी शरीर को ज़रूरत है उस सारे चीज़ इसमें मौजूद है। तो इसका हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और यजुर्वेद में ही जौ बाजरे की चर्चा की गई है, उसके उपयोग के बारे में बताया गया है। जो अथर्ववेद का उपयोग आयुर्वेद है, तो इसमें भी मोटे अनाज की काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें संपूर्ण पोषण है। ये मतलब एक तरह का संपूर्ण भोजन है जी, कंप्लीट भोजन है। बिल्कुल। मिलेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, अकेश जी मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी कि खैर अलग अलग प्रोग्राम्स तो चलाए जा रहे हैं आंगनवाड़ी में, देश भर में प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि माताओं को, खासकर जो पेरेंट्स हैं उनको हम अवेयर कर सकें, लेकिन इस प्रोसेस में क्या कुछ मुख्य चैलेंजेस भी आ रही हैं क्या, जब आप लोगों से मिलते हैं या फिर ये प्रोग्राम्स जब लॉन्च किया जाता है तो कहीं से आपको क्या रेजिस्टेंस भी मिलता है? जब समुदाय के साथ काम करेंगे तो समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न मानसिकता से विभिन्न वर्ग में लोग हैं। और जैसे कि इस पूरे गतिविधि के समय में, 15 दिन के पखवाड़े में, एक गतिविधि ये भी थी कि होम विजिट्स हो, और होम विजिट्स के दौरान, जो गृह भ्रमण है उसके दौरान भी मिलेट्स के बारे में चर्चा हो। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो 42,000 सहियां हैं, इनका एक दायित्व ये भी बनता है कि जो नवजात शिशु हैं उनकी गृह आधारित देखभाल में पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 42वें दिन वो होम विजिट्स करती हैं। तो ये 15 दिन में लगभग 21,000 परिवारों में, 21,000 बच्चों के परिवारों में विजिट हुआ है। और जहाँ पे कि ना सिर्फ वो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के काम को किए, जिसमें बच्चे के वजन देखना, माता से उसके स्वास्थ्य के बारे जानकारी लेना, परंतु वहाँ पर पोषण की भी चर्चा की गई, और उसमें भी कि उस क्षेत्र में जो पौष्टिक आहार है, ना सिर्फ मिलेट पर जैसे पौष्टिक आहार हैं जो पुराने हमारे पूर्वज लोग भी खाते आए थे, सिंपल, जैसे अभी महुआ का समय हो रहा है तो महुआ गिर रहा है तो महुआ का लड्डू या मड़ुआ का, जैसे हमारे यहाँ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैडम ने कहा कि मड़ुआ के विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जा सकते हैं, तो उस तरह का कोशिश किया गया कि VHND के दिन में आंगनवाड़ियों में मड़ुआ के अनाज का भी कुछ कुछ प्रिपरेशन करके लाया गया, रोटी बनाई गई, लड्डू बना के लाया गया और उस तरह से दिया गया। और लोग गाँवों में बहुत जगह लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर विशेष करके जो किशोर किशोरी बच्चियां हैं, है ना, तो उनके लिए अभी जो आज का समाज है और आजकल के भोजन सामग्री हैं जो उन लोग कहना चाहिए कि नेट्स में देखते हैं, बर्गर, चीज़ और चाउमीन, जैसे गाँव के बाजार में चाउमीन आ गया है, पहले जहाँ पर चना था, जहाँ पर और गुलगुला जैसी चीज़ें होती थी वहाँ पे चना चाउमीन आ गया, तो उस एज ग्रुप में समझाने में थोड़ी सी समस्या आई। और हाँ, जहाँ पे बुजुर्ग हैं और परिवार में और जवान नौजवान माँ हैं,
और वहाँ पे सहिया अगर समझाने के लिए गई तो ये एक मदद हुआ कि जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी है उन्होंने सहयोग किया कि वो याद किए कि हाँ हमारे जो बड़े लोग थे वो खाते थे, तो शायद उस समय शुगर की बीमारी नहीं थी, हाइपरटेंशन इतना नहीं था, तो एक मिश्रित सा अनुभव हुआ। परंतु हाँ कि जब हम किसी चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो लोगों के मनस्थिति में एक विचार छोड़ते हैं, सोच छोड़ते हैं, और वो आगे जा कर के फिर वो धीरे से लोग उसे ग्रहण करते हैं, और वही है सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं, कि लोगों की मानसिकता बदलती है और उसके बाद व्यवहार परिवर्तन होता है। और ये जो एक शुरुआत है अभी की, वो आगे चल के शायद हम लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत लेके आएगी। बिल्कुल मनीषा जी, मैं तो खैर हर दिन अपनी मम्मी से सुनती हूँ कि हमारे टाइम पे हम सादा खाना खाते थे, तुम लोग पता नहीं क्या खा रहे हो, नई नई बीमारियाँ घर में लेकर आ रहे हो। मैं यहाँ पे भी हम जानना चाहेंगे कि अगर न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, अगर आपका प्लेट जो है फुली न्यूट्रिशन फूड अगर आप नहीं खा रहे हैं, तो किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है इससे आपको झेलने को मिल रही है, एक समय बाद भी झेलने को मिल रही है, कौन कौन सी नई समस्याएं हैं जो देखिए आजकल ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है ज़ीरो फिगर जिसके कारण बहुत सारा फूड ग्रुप को वो लोग छोड़ देते हैं दुबले होने के कारण के लिए, तो इसके कारण अभी मतलब तुरंत उसका असर नहीं दिखता है। एक उम्र के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे कि हड्डी संबंधी समस्या, आयरन संबंधी समस्या, ज़्यादातर प्रजनन के समय में प्रॉब्लम होती हैं औरतों को। तो इसलिए ना बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी हो और न्यूट्रिशियस फूड का अपने जीवन शैली में बहुत ज़्यादा उसका महत्व समझना चाहिए शुरू से बच्चों को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले माँ को जागरूक किया जाए, बिल्कुल, ताकि माँ है कि माँ अगर जागरूक होगी तभी वो बच्चों को अच्छा शुरू से ही न्यूट्रिशियस फूड देगी, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होगी तो बच्चे अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, ताकि आगे चल करके उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि मैम बता भी रही थी वेंकटेश सर, कि किस तरीके से ज़रूरी है कि हम शुरू से ही अवेयर रहें। जब हम आयुर्वेद में आते हैं, फिलहाल आपको एक जो मुख्य समस्या हमारे पास है, जिस वजह से भी हम ये अभियान चला रहे हैं, वो मैलन्यूट्रिशन एक बहुत हमारी समस्या बड़ी है। प्रेगनेंसी में हम फीमेल्स में भी बाद में देखते हैं कि एनीमिया से बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हैं, आयरन से वो ग्रसित हैं। यहाँ पर क्या कुछ ऐसे खान पान है जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अगर ऐसी समस्याएं हैं, और इसके साथ साथ क्या कुछ ट्रीटमेंट भी चलता है जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं? तो इसमें है कि जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, तो मोटे अनाज हमको बीमारी से भी बचाते हैं। जैसे डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसमें भी आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें ग्लूटेन की मात्रा ये सब नहीं के बराबर होती है। जो नॉर्मल आटा खाते हैं उसमें ग्लूटेन जो बोलते हैं उसमें मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो शुगर को भी बढ़ाता है। और यदि हम इस तरह की चीज़ों को प्रयोग में बढ़ाएं तो शुगर की समस्या बहुत तेज़ी से कम होगी। एस्थमेटिक पेशेंट को भी जो इस तरह की जो लैक्टोज जो इंटॉलरेंस की समस्या होती है, किसी तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, तो उस तरह की चीज़ों को ये प्रयोग करेंगे तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम को भी काफ़ी लाभ मिलता है। और जिनको कब्जियत की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इन तमाम मतलब जो भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बीपी, शुगर, इस सब तरह की बीमारी में भी काफ़ी फायदेमंद है मोटे अनाज। जैसा आपने कहा कि खैर कई ऐसी बीमारियां हैं, आपको स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य तो आपका इससे मेंटेन हो ही रहा है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी अगर आप ये सब डाइटरी फूड इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आपके हेल्थ में सुधार होती है। अकेले जी, अभी सरकार द्वारा एक जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ जो एडवांटेज ये हुई है कि लोगों को एक्सेस करना काफ़ी करीब हमारे लिए इजी हो गया, हम ज़्यादातर लोग हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। एक ऐप की भी शुरुआत की गई है जिसके थ्रू T3 जो प्रोग्राम चल रहा है जिसके थ्रू पता लगाया जा सके, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। T3 है जिसका बहुत सिंपल है, टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। ये चीज़ें हमें करनी है उनके लिए
जो हम बातचीत करते हैं पोषण पखवाड़े की, तो जो कुपोषित हैं उनके लिए और विशेष करके जो एनेमिक हैं, एनीमिया से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और हेल्थ कैंप्स में भी न्यूट्रिशन का अवेयरनेस किया जा रहा है, इसके साथ बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हो रही है और लोगों को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक लगभग हमारे 172 हेल्थ ब्लॉक्स में ये हेल्थ कैंप्स चला है, 90,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, और उसमें भी कुछ मैलनरिस्ट बच्चे भी निकल के आए हैं, जैसे 136 जो सीवियरली एक्यूट मैलनरिस्ट हैं वो बच्चों को चिन्हित करके उनको फिर मैलनरिस्टमेंट ट्रीटमेंट सेंटर में लाया गया है, और बहुत सारी महिलाओं को एनेमिक पाया गया। तो जैसे लगभग 7,000 गर्भवती माताओं को इस पूरे कैंप के माध्यम से 7,000 गर्भवती माताओं को IFA टैबलेट्स दिया गया है, 10,000 गर्भवती महिला और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको कैल्शियम टैबलेट्स की जो 360 गोलियां हैं वो भी दी गई हैं, वो हमारे पास ट्रैक हो रहा है। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं उनको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और एक ऐप यूनिसेफ के सहयोग से बना है जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग और उसके साथ जो समाज कल्याण विभाग जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो इनके दोनों के डिपार्टमेंट के सहयोग से इस पे ऐसा काम होगा कि जो व्यक्ति एनेमिक पाया गया उसको पहले टेस्ट करना है, उसके बाद उसको ट्रीट भी करना है और उसको ट्रैक करते रहना है। इसलिए T3 ऐप डेवलप किया गया है जिसका प्रशिक्षण इसी पखवाड़े से शुरू हुआ है। लगभग 14,000 लोग अभी तक इसमें ट्रेंड हो पाए हैं, जिसमें कि हमारी ANM है, हमारा टारगेट है कि राज्य की 8,000 ANM ट्रेंड हो। इसके साथ जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रेंड होंगे, इसके साथ साथ जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी ट्रेंड होंगे, ताकि जो भी इस तरह के कैंप्स में जाते हैं, T3 कैंप में जाते हैं, वो ऐप के माध्यम से जो भी निकल के आता है जांच का रिपोर्ट उसको डालेंगे और उस व्यक्ति को फिर आगे चल करके उसको ट्रैक करके उसका फॉलोअप करने के लिए उसका प्रखंड, उसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या उसके जो CHC के डॉक्टर्स हैं वो उसको फॉलोअप करते जाएंगे। ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस पखवाड़े में तीन मुख्य फैक्टर्स हैं जिस पर कि फोकस किया जा रहा है, मनीषा जी, इसमें से एक है जो बताया भी कई मिंच जी ने, बालक बालिका स्पर्धा, जिसके अंतर्गत एक ये भी पॉइंट है कि आप अपने बच्चे की जो प्लेट्स बना रहे हैं खाने की, उसमें आपको हर तरह की सब्जियाँ फल होने की ज़रूरत है वो रखें। तो एक बच्चा जो कि खासकर जो 6 साल तक की उम्र में है, ऐसे टाइम पीरियड में उसके खान पान में आपको क्या कुछ, उसकी प्लेट में क्या मुख्य तौर से आपको शामिल करने की ज़रूरत है, कौन कौन से सब्ज़ी हैं या फल है या इसके अलावा प्रोटीन के क्या क्या सोर्स है जिसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, जो 6 साल तक का उम्र जो होता है ना, ये सब बहुत तेज़ी से बच्चे बढ़ते हैं, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों का, बच्चे खेल खेल में खाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या न्यूट्रिशन क्या है या उसका बहुत पोषण, उसका बहुत पोषक महत्व है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो रंगों से बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बच्चों को प्लेट दिया जाए वो कलरफुल होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा फ्रूट के बारे में, फलों के बारे में, तो हम लोग डिफरेंट तरह के फल शामिल कर सकते हैं, कलरफुल फल, तो उसको बहुत तरीके से बना करके, जैसे कि फ्रूट सैलेड के रूप में बना के दिया जा सकता है उन लोगों को, कस्टर्ड के रूप में बना के दिया जा सकता है। अगर हम लोग ऐसे सिर्फ फल देंगे ना तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। सेम उसी तरह सब्जियों के बारे में होता है कि हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बच्चे सिर्फ हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, उसको भी कलरफुल और बहुत रचनात्मक रूप से देना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी बहुत लोग पालक को पीस करके उसकी रोटी बना करके बच्चों को देते हैं, या गाजर को पीस करके उसकी रोटी बना के बच्चों को देते हैं, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, बच्चे खुश होके खाते हैं और बच्चों को अच्छा पोषण भी मिलता है। तो इसके लिए जागरूकता है कि जरूरी है कि माँ को पोषण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, साथ में रचनात्मकता भी होनी चाहिए भोजन में। बिल्कुल।
आपने बताया तो मुझे याद आया कि जो मेरी मम्मी थी, चुकंदर जो होता है उसका वो रस निकाल के, तो लाल लाल पराठे हमें मिलते थे, तो हम बड़े शौक से खाते थे कि ये कलरफुल हमें खाना मिला है इस बार। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि खाने में भी आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा रहे ये हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी क्रिएटिविटी, जितना क्रिएटिविटी दिखाइएगा जब बच्चे उतनी अच्छे से खाएंगे, और अगर आप सिंपल थाली लगा करके देंगे बच्चे कभी नहीं खाएंगे। बिल्कुल। अभी फिलहाल जब हम वर्तमान की बात करें, क्योंकि अभी न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस भी हो रहा है वेंकटेश जी, क्या कुछ मुख्य फिलहाल जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो भी अगर हम यंग एज की बात करें, 35 साल तक के जो नागरिक हैं, किन समस्याओं से, न्यूट्रिशन सही हो नहीं होने की वजह से कौन सी समस्याओं के साथ आपके पास आ रहे हैं? जैसे अभी तो जनरली जो है बहुत पेशेंट आते हैं जिनके पेट निकले होते हैं, तो इसमें मिलेट्स का काफ़ी यूज़ है, क्योंकि ये कम मात्रा में ही आपको लगेगा कि पेट भर गया है, और आपको जो मिलना चाहिए, आपको आयरन है, कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें इसमें तमाम मिल जाएंगी। इस तरह की समस्या से छुटकारा मिले। गठिया है, अर्थराइटिस है, इस तरह की समस्या जो है इसमें भी काफ़ी लाभ है इसका जी। तो इस तरह के आते हैं बच्चे जो हैं, जो इन जनरल जिनका प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, तो उसमें भी माँ को चाहिए कि हम इसको यूज़ में लाना शुरू करें, और खाना खाते वक्त कोशिश करें कि उन्हें मोबाइल का यूज़ करते वक्त खाना नहीं खिलाएं, टेलीविज़न देखते हुए खाना नहीं खिलाएं, इससे भी उनके पोषण पर काफ़ी दुष्प्रभाव होता है बिल्कुल। जी। तो इस तरह का सावधानी यदि माँ बाप रखें, तो खाने के साथ साथ क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी कराना है, योगा भी कराना है, तब सारा जो आप खा रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा बिल्कुल। जी। इस बार खैर जो थीम भी दिया गया है पोषण पखवाड़े का, वो सभी के लिए पोषण की बात हो रही है। और कई बार हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कई जी, कि हम गांव में तो काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन, फिलहाल न्यूट्रिशियस फूड शहर में भी प्लेट्स तक नहीं पहुँच पा रहे लोगों, क्योंकि इतना ज़्यादा भी जंक फूड का चलन यहाँ पे चला हुआ है कि हम अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं भी, तो हम उसका इस्तेमाल कुछ और कहीं और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो अभी के वक्त में अगर हम उनके बारे में बात करें, तो क्या उनको भी कवर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स है, किस तरीके से हर ग्रुप और हर क्लास के लोगों को हम जागरूक कर सकें इसके बारे में? चूंकि ये पखवाड़ा रखा ही गया है सबों के बिल्कुल। वेलबींग के लिए, और स्पेशल कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं और चीज़ें की जा रही है, जिससे कि लोगों में और जागरूकता हो। और जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियां हैं, जन्म के पहले से शुरू होती हैं और बुढ़ापे तक की जाती हैं। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसके तहत बच्चों के लिए कार्यक्रम में इसकी जागरूकता की जा रही है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें 19 साल तक के किशोर किशोरियों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों तरफ में। इसके बाद अगर हम देखते हैं ना, रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं के लिए भी है, धात्री और माताओं के लिए भी। और जब हम गैर संचारी रोग की तरफ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ जब हम बातचीत करते हैं, तो अब जेरियाटिक केयर, जो बुजुर्ग अवस्था के लोगों के लिए भी बात हो रही है। और जब हम मालनरिशमेंट की या पोषण की जब बात करने लगते हैं, कुपोषण से पोषण की, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को भी पोषण की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं, जैसा कि आपने कहा, तो उसमें आज के जीवन शैली को सुधारने के लिए और फास्ट फूड से फिर वापस स्लो फूड की ओर जाना। स्लो फूड में है कि जो हमारी मिलेट्स हैं, जो हमारे देशज उपज है, उसे फिर से अपने भोजन में शामिल करके जीवन शैली में उसको लेके आना, इस पर एक कैंपेन चल रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल। ये एक, खैर मैं क्विक क्वेश्चन लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मनीषा जी आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो बात कर रहे हैं किस तरीके से हमें माल न्यूट्रिशन को पछाड़ना है, अभी से अगर हम जो खासकर जो देख रहे हैं, जो फैमिलीज देख रही हैं, एक क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर कुछ टिप्स आपको देना हो तो वो आप क्या देंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल की, सबसे बड़ा टिप्स है कि आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो लोग देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं। सबसे पहले कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, ठीक है, वर्कआउट करना और समय से भोजन करना। हर चीज़ का समय शुरू से ही अगर निश्चित रहेगा तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी लोगों की। बिल्कुल। डॉक्टर वेंकटेश, आप
इसमें मैडम की बातों से मैं सहमत हूँ कि यदि जब पाचन अग्नि आपकी जागृत हो, जब भूख लगे उस समय भोजन करें और समय से भोजन करें, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है अपडेट रखें। बिल्कुल, जैसा कि अकय जी आप हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर वेंकटेश, आपने ना सिर्फ हमें पोषण पखवाड़े के बारे में बताया बल्कि न्यूट्रिशन की क्या महत्ता है, आयुर्वेद में उसकी क्या महत्ता है और किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या कुछ न्यूट्रिशियस फूड हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, उस सबके बारे में आपने हमें जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। नमस्कार।